नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक से। मैं बीके शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बेहतर तरीके से चल रहे होंगे और बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक बहुत जरूरी सूचना आपको हम दे देते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अभी भी हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है, चल रही है। इसके संबंध में आप अपने व्हाट्सएप नंबर से एंट्री बीईओ लिखकर इस नंबर पर मैसेज करें। इसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी क्या प्रक्रिया है, या वीडियो के दौरान नीचे जो स्क्रॉल बार में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर फोन करके आप भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया जो भी हमारे यहाँ की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इस बैच में आपकी जो हमारा इंस्टीट्यूट है टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, इसमें आप सभी लोगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है 2020 की, उसके संबंध में ऑनलाइन बैचेस चलाए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया उसमें अभी जारी है, एडमिशन प्रक्रिया जारी है। आप एंट्री बीईओ लिखकर इस नंबर पर 8112378577 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से हमारी जो है वो स्टडी चल रही होगी। अब हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो भारत के संविधान में पढ़ा, वो भारत के संविधान का जो संवैधानिक ढांचा था या संवैधानिक विकास, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, वो डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा। ठीक है, कैसे क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हमारे संविधान का जो है वो क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, किसी भी चीज, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही होगी। और अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मींस भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। क्योंकि किसी भी चीज की जब निर्माण की जाती है, निर्माण प्रक्रिया होती है, तो उसकी चीज संबंध में आपको तमाम प्रकार की चीजों का, तमाम के वस्तुओं का कलेक्शन करना पड़ता है। उसी तरह जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया, तो जो हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने तमाम प्रकार के देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद वहां पर जो भी चीजें उन्हें बेहतर लगी, जो भी चीजें भारत को बेहतर बनाने के लिए, जिन जिन प्रावधानों की आवश्यकता भारत के संविधान में डालने के लिए महसूस हुई, उन उन देशों के संविधानों से थोड़ा थोड़ा चीजें लेकर हमारे एक बेहतर संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं कि भारत के संविधान के स्रोत, तो भारत के संविधान के स्रोत की यदि हम बात करते हैं, तो भारत के संविधान में दो प्रकार के स्रोतों की चर्चा होती है। ठीक है, दो प्रकार के स्रोतों की चर्चा होती है दोस्तों। एक तो होता है आंतरिक सोर्स, आंतरिक स्रोत, और दूसरा होता है हमारा बाह्य स्रोत, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। यदि आंतरिक स्रोत की बात करें, तो आंतरिक स्रोत का अर्थ है जो चीज हमारे पास थी, हमने वहीं से कुछ चीजों को कलेक्ट कर लिया, ले लिया। बाह्य स्रोत का मीन जो हमारे पास नहीं था, उसको हमने कहीं ना कहीं से क्या कर लिया है, लिया है। ठीक, आंतरिक स्रोत का मतलब कहीं ना कहीं उस चीज का जो सोर्स था वो हमारे पास पहले से ही मौजूद था, पहले से ही वहां की चीजें हमारे पास विकल्प के रूप में मौजूद थी। जब हम उन चीजों को ले लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, आंतरिक स्रोत कहलाते हैं। और बाह्य स्रोत क्या कहलाते हैं, ऐसे स्रोत जो हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, उनके संबंध में हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं से उनके लिए, उनके संबंध में हमने उधार लिए चीजें, वहां से उठाई चीजें, तो ये कहलाती है बाह्य स्रोत।
तो यदि आंतरिक स्रोत की बात करते हैं दोस्तों, तो आंतरिक स्रोत में जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके करीब 250 से ज्यादा अनुच्छेद, मोर देन 250 प्लस आर्टिकल्स, 250 से ज्यादा अनुच्छेद जो आज हमारे देश के संविधान में सन्निहित है पाए जाते हैं, वो जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, उसी भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों को ही मद्देनजर रखते हुए, प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो प्रावधान भारत के जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां थी उनके अकॉर्डिंग वो प्रावधान हमारे देश के लोगों के लिए वो सुटेबल थे। तो हमने क्या किया, आंतरिक स्रोत के रूप में यदि पूछा जाए तो आंतरिक स्रोत के रूप में हमारा आता है दोस्तों भारत, ये भारत शासन अधिनियम सन 1935। तो इसके 250 से ज्यादा अनुच्छेदों को हमने क्या किया है, जो आज का हमारा भारतीय संविधान है उसमें रखा है। और यदि बाह्य स्रोत की हम बात करते हैं तो बाह्य स्रोत से तमाम प्रकार के जो देश थे, तमाम देश थे, जैसे आप देख लीजिए यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम प्रकार, इन तमाम देशों से हमने कुछ ने कुछ क्या किया है, उधार लिया है। इन देशों के संविधान से हमने क्या किया है, कुछ न कुछ चीजों को अपने देश के संविधान में समाहित किया है। ठीक, तो अब हम देखते हैं भारत के संविधान के स्रोत, यदि स्रोतों की बात करते हैं तो दो हिस्सों में बांट देते हैं हम स्रोत को, एक तो कहते हैं दोस्तों आंतरिक स्रोत और एक कहते हैं हम बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में मैंने बताया आपको भारत शासन अधिनियम और बाह्य स्रोत। एक और स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान क्या है, उधार का पिटारा है। भारतीय संविधान उधार का पिटारा है, ये स्टेटमेंट आता है, प्री में भी पूछा गया और इस पर मेंस का भी प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान उधार का पिटारा है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो इसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि ऑप्शन आता है कि हमारे देश का संविधान अपनी स्वयं की उपज नहीं है, अपितु हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं चाहे वह आंतरिक स्रोत हो और चाहे बाह्य स्रोत है, तो आंतरिक और बाह्य स्रोतों के अध्ययन के उपरांत हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो हमारे भारत का संविधान क्या है, उधार का पिटारा है। इसके संबंध में आपको जो है मेंस का भी प्रश्न यह बनता है कि भारतीय संविधान उधार का पिटारा है, एक आलोचनात्मक या समीक्षात्मक अवलोकन करना होता है, समीक्षात्मक मूल्यांकन जब करेंगे तो हम मेंस का जब आंसर राइटिंग लिखेंगे इस प्रश्न का, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए हम क्या करेंगे, स्रोतों को पहले दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फिर एक एक देश के स्रोत को लेते हुए और नीचे फिर समीक्षात्मक अवलोकन करते हैं कि वास्तव में उपर्युक्त स्रोतों की विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान हमारी स्वयं की उपज नहीं, अपितु यह क्या है, यह एक उधार का पिटारा कहा जाता है, या इसे उधार का पिटारा कहा जाना न्यायोचित या न्याय संगत प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एक तरफ लिख लेते हैं यहां पर किस देश से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, देखिए यहां पर हेडिंग डालते हैं हम स्रोत और यहां पर डालते हैं प्रावधान, मीन्स कौन से स्रोत है, मीन्स स्रोत कहां से लिया गया है और उनसे कौन से प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हमने आंतरिक स्रोत की जो बात की थी दोस्तों, उस पर हम देखते हैं, यहां पर दिखाई पड़ रहा आप लोगों को, भारत
शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत शासन अधिनियम हमारा 1935 का था, वहां से हमने जो है बहुत सारी चीजें, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया आपको कि हम करीब 250 से अधिक अनुच्छेद जो आज हमारे संविधान में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, तो 250 से अधिक ऐसे अनुच्छेद हैं, 250 से अधिक अनुच्छेद हैं जो भारत के संविधान में दिखाई पड़ते हैं। तो वो कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या लिया गया है, जैसे जो आज की हमारी न्यायपालिका की संरचना है, न्यायपालिका CAG है ना, न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इस तरह की चीजें, CAG मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को भी हमने क्या किया है, यहीं से लिया है। और जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम से हमने क्या किया है, 250 से अधिक अनुच्छेद, मोर देन 250 आर्टिकल्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उससे हमने 250 से ज्यादा अनुच्छेदों को लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर देख लीजिए, न्यायपालिका की जो संरचना है, CAG की जो संरचना है, या लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या प्रांतीय लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की बात होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम दूसरा, देखते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या लिया है हमने, वह देखते हैं हम। ब्रिटेन से हमने लिया है, पहली चीज तो लिया है हमने संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था। इतनी चीजें हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्या क्या लिया है आप यहां देख लीजिए, संसदीय शासन व्यवस्था, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, हमारे यहाँ कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए शासन व्यवस्था दो तरीके की होती है दोस्तों, एक तो होती है संसदीय शासन व्यवस्था और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो हेड होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था और उन संसदीय व्यक्तियों के जो विशेषाधिकार, विधि का शासन, सिंगल नागरिकता और मंत्रिमंडल की ये जो व्यवस्था है, यह हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, मीन हर व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक होगा, ठीक। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर दोहरी नागरिकता की बात होती है, एक तो होती है आप उस देश के नागरिक कहलाते हैं और दूसरा उस राज्य के नागरिक, लेकिन हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं है, अपितु राज्य के क्या है, अधिवास होता है, डोमिसाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, मीन्स USA, ठीक है,
यूएसए से हमने क्या लिया है। यूएसए से हमने लिया है क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता राष्ट्रपति का निर्वाचन महाभियोग प्रक्रिया महाभियोग इतनी चीजें हमने यूएसए के अमेरिका के संविधान से लिया है। क्या क्या है? एक तो मौलिक अधिकार हमने लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत आपको संविधान में मिलता है, संविधान की सर्वोच्चता मींस सबसे सुप्रीम क्या होगा भारत में, भारत का संविधान होगा सबसे सर्वोच्च, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। इन सब चीजों को हमने कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है दोस्तों कि यदि विधायिका ने किसी कानून को बना दिया तो उस कानून की संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत में किन किन न्यायालयों को उपलब्ध है, तो याद रखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, ठीक है। कई बार हमें याद रहता है, हमें समझ में आता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट, जबकि ऐसा नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है वह दोनों न्यायालयों को उपलब्ध है, ठीक है। अब आता है अगला, देखते हैं हम कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, ये तीन चीजें हमने जो है वो कनाडा के संविधान से लिया है। संघात्मक जो व्यवस्था होगी हमारी, जो डिवीजन ऑफ पावर है, यानी शक्तियों का जो विभाजन है केंद्र और राज्य के मध्य में, और अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो है वो किसके पास होती हैं? तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हमेशा याद रखिएगा आप संसद के पास होती है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां अर्थात आप तीन प्रकार की सूची पढ़ेंगे संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है संसद को, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य विधानमंडल को, और समवर्ती सूची पर के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और संसद दोनों को होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, ऐसा विषय आ जाता है जिसके संबंध में तीनों सूचियों में कानून बनाने की शक्ति का विवरण ही नहीं है,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आ जाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए साइबर अपराध, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, साइबर लॉ। तो साइबर मीन साइबर जो है वो बाद में आया, सन 2000 के आसपास की उत्पत्ति थी, साइबर अपराध होने लगे। तो कंप्यूटर से संबंधित जो अपराध होने लगे उनके संबंध में किसी भी प्रकार की अनुसूची में कोई जो है वो प्रावधान नहीं था, ना तो संघ सूची, ना ही राज्य सूची और ना संवर्ती सूची। ऐसी दशा में अनुच्छेद 248 के तहत जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां दी गई हैं, वह दी गई है कि ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है उन पर विषय, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों संसद को दिया गया है। तो यह शक्ति जो है हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, इसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड से देखते हैं हमने क्या लिया है। आयरलैंड से लिया है हमने डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीति निदेशक तत्व। और राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, उनको जो है, ये दो चीजें हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करता है राष्ट्रपति, 12 सदस्यों का मनोनयन करता। तो ये जो मनोनयन की प्रक्रिया होती है या मनोनयन के बारे में जो उपबंध होते हैं उनके संबंध में प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और जो आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद जो है 51 तक, 36 से लेकर 51 तक, मीन्स राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की ना। ये चीज हमने कहां से लिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया है दोस्तों, वो हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है ना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ये शब्द आपको मिलेंगे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में आपको इन शब्दों का जिक्र मिलेगा कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, इन तमाम प्रकार की जो शब्द आपको मिल रहे हैं ये शब्द बेटा आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये शब्द आपको भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उन उस प्रस्तावना का जब हम अध्ययन करेंगे तो प्रस्तावना में इन शब्दों का जिक्र आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो हमने लिया है वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो लिया है वह एक तो है हमारा समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान,
और जो संयुक्त अधिवेशन होता है संसद का, उसकी प्रक्रिया है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, दो चीजें जो महत्वपूर्ण है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है दोस्तों। पहला तो क्या है, हमारा जो 7वीं अनुसूची है भारत के संविधान की, उस 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, ये तो पहले से हमने लिया है। कहां से? भारत का जो शासन अधिनियम था 1935, वहां से। लेकिन उसके बाद एक समवर्ती सूची जो डाली गई है, वह समवर्ती सूची का प्रावधान आया है हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और यदि कोई मुद्दा ऐसा होता है जिस पर दोनों सदनों में गतिरोध होता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, ऐसे सदनों की संयुक्त अधिवेशन करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ऐसे संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया होगी, उसके संबंध में भी प्रावधान हमने कहां से लिया है, उसके संबंध में भी प्रावधान हमने लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, अगला है हमारा जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपात उपबंध। मींस इमरजेंसी, जो हमारी आपातकालीन स्थितियां होती हैं, उस आपातकाल के दौरान, उस आपातकाल के दौरान जो, जब आपातकाल भारत में घोषित किया जाएगा, आपातकाल 3 प्रकार का होता है, जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक भारत के संविधान में, तो आपातकाल जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य आपातकाल जिसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो उस समय हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वह सस्पेंड कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे अनुच्छेद क्या होते हैं, वह निलंबित कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ऐसे समय में, ऐसी प्रक्रिया के संबंध में कि क्या उपबंध होगा, आपात उपबंध के समय में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति होती है, और आपात के प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए हैं। आखिरी देखते हैं हम लोग रूस। रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिया है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं, ये भारत के संविधान में कब जोड़े गया है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसके संबंध में एक समिति बनी थी, वह थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए अनुच्छेद 51 का में। वर्तमान समय में कुल 11 कर्तव्य भारत के संविधान में दिए गए हैं। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जब भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, तो उसी समय अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का 11, ठीक है, 11वीं कर्तव्य जोड़ा गया कि हर माँ बाप का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, अनुच्छेद 51 का, और एक नया भाग जोड़ा गया भारत के संविधान में, वह है भाग 4 का। ठीक, ये चीजें, तो ये हमारे भारत के संविधान के जो स्रोत थे, हमने उनके ऊपर एक चर्चा की कि भारत के संविधान के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, अब आएगा संविधान सभा की बैठक और संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह क्लास आपकी खत्म
खंड शिक्षा अधिकारी के लिए चल रही है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो बैचेस हैं उसमें भर्ती प्रक्रिया, उसमें एडमिशन की प्रक्रिया अभी फिलहाल जारी है। उसके संबंध में नीचे देखिए स्क्रॉल बार में आपको डिटेल चल रहा है, उन फोन नंबर्स पर चाहे तो आप फोन कर लें या एंट्री बीईओ लिखकर हमें इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। यदि आप चाहें तो हम आपको बता दें, ये देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है एंट्री बीईओ, एंट्री बीईओ लिखकर इस नंबर पर 8112378577 पर आप मैसेज करें, उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप एडमिशन को अपने सुनिश्चित कर सकते हैं इस आशा इस विश्वास के साथ कि हम आपको सबसे बेहतर देने का प्रयास करेंगे और सबसे बेहतर देंगे, ये पूरी टीम का हमारा कमिटमेंट है। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक नए जोश, नए खरोश, नए कलेवर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।